एक जापान का व्यक्ति था, बिजनेसमैन था, वो बिजनेस करने के लिए हिरोशिमा पे गया था। तो गया जब हिरोशिमा में ना, तो हिरोशिमा जैसे पहुंचा तो हिरोशिमा में ब्लास्ट हो गया, बट वो ब्लास्ट उससे थोड़ा दूरी पर था, तो वहां से वो भाग निकला। रेडिएशन फैलने से पहले क्या हो गया, भाग गया। और फिर वो कहाँ गया, नागासाकी। जब नागासाकी में पहुंचा था अंदर, वो मार दिया उसको। आप कहेंगे ओ दे पर मारू बम फूट लो, जा बगल वाला देखा एकरा का हो गई लो, कहेगा रे हमू मर गई रे। दूना मर के अपने आत्मा से बता, देखता हमारे शरीर वा दूर से कैसे लगतो। संजय जी ने अचानक, तो वो दिखता नहीं है आपको, आप वो फिल्मी वाला बम मत समझिएगा कि आग लग गया चिल्ला रहा है मामा ठाकुर। वो पेट्रोल बम नहीं है, नहीं समझे, ये रेडिएशन वाला बहुत खतरनाक है। ये इसके बाद आता है गामा रेज। कौन सा रे? गामा रे। आपको पता है शरीर में सबसे गहराई तक कौन जाती है? गामा। कौन रे? गामा रे। आपका शरीर का हड्डी गुड्डी सब छेद छाद के चल गए, आदमी उठाना पड़ता है इसे छाइटी में, जैसे गोबर उठाता आदमी, चलो हो चचा। पूरा खत्म कर देता है मार और के परमाणु बम। अच्छा इनकी गति भी देखिए, प्रकाश की चाल से। आपको पता है एक्सरे प्रकाश की चाल से चलता है, टॉर्च जलाने में कितना टाइम लगता है, फटाक से जलाएं पहुंच गया 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। और गामा रेज की भी गति प्रकाश के बराबर, यही दो को मेन तबाही मचाते हैं। इसके बाद क्या होता है ना, शॉक वेव उत्पन्न होता है। वेव चैप्टर में भी पढ़ा दिए हैं, शॉक वेव। कौन सा वेव? शॉक वेव, प्रगति तरंग। देखिए आपको भी पता है शॉक वेव क्या है, देखिए कोई भी चीज कब लड़खड़ाती है, शॉक कब लगता है। जैसे हमारी दौड़ने की क्षमता है 20 के स्पीड से या 30 के स्पीड से, तो हमको अगर कोई धक्का दिया पीछे से 10 के स्पीड से तो हम नहीं लड़खड़ाएंगे, क्योंकि हम उसे बैलेंस बना लेंगे। अगर कोई 30 से ढकेला तो भी हम नहीं लड़गा, हमारी क्षमता से ज़्यादा ढकेल दिया ना तो हम लड़खड़ा जाएंगे इसे, क्योंकि उससे तेज हम नहीं जा सकते थे। तो हमारे अगल बगल में जो वायु है, ये वायु है या फिर ध्वनि तरंगे है, ये 330 मीटर पर सेकेंड की वेग से ही जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती है। और अगर कोई चीज ब्लास्ट करता है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो अचानक वो यहाँ की हवा वगैरह को क्या करता है, ढकेलता है। अचानक क्या करता है, ढकेलता है, और उस ससुरा इतना तेज ढकेलता है कि वो सबको उतना तेज चलने के लिए बने ही नहीं थे। तो क्या होता है, एकदम शॉक उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाएगा? शॉक। और वो इतना शक्तिशाली होता है किसी भी चीज को ध्वस्त कर देता है। तो ये शॉक वेव आके बिल्डिंग वगैरह को क्या करती है, गिरा देती है। शॉक वेव बिल्डिंग को क्या करती है, गिरा देती है। यहाँ पर पूरी तरह से टेम्परेचर लगभग 300 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। पानी कितना डिग्री पे रहता है? 100। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है पानी? अभी कितना कर दिया? तो जो बम के पास के एरिया में रहेंगे 8-10 किलोमीटर के रेडियस में, ऐसे समझ में गया, तो वो सबसे पहला शिकार होंगे किसका? सबसे पहले तो इन्हीं का, कोई भी शिकार इन्हीं दोनों का, लेकिन ये उनको जला के क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो जो पास के एरिया में पकड़ा गए, 10 किलोमीटर के रेंज में क्या हो गया, पकड़ा गए, उनको तो जल के मरना है। और जो पास के एरिया में बिल्डिंग पकड़ा गया उनको शॉक वेव से। अब बाकी आप अगर 70-80-100 किलोमीटर भी दूर है ना, तो ये देख रहे हैं एक्सरे वगैरह निकल रहा, समझ में आ रही ना, एक्सरे और गामा रे जा रहा है यहाँ पे। ये आपको तो चौपट करेगा ही, और डीएनए को भी चौपट कर देगा। अगर बच गए तो बाल बच्चा जो होगा उसके अंदर अपंगता आ जाएगी वहां पर। तो ये बहुत ज्यादा क्या होता है, हानिकारक होता है। क्या होता है? हानि। हमेशा इसे क्या किया जाता है, कंट्रोल इन्वायरमेंट में क्या बनाया जाता है, बिजली बनाया जाता है। कंट्रोल इन्वायरमेंट में क्या बनाया जाता है, बिजली। 1986 में यूक्रेन में एक जगह था बिजली घर, जिसका नाम था चेर्नोबिल। चेर्नोबिल, चेर्नोबिल जो जगह था, इसमें क्या बन रहा था, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में बिजली। अचानक वहां प्रेशर बढ़ गया और वो बिजली क्या गया, ब्लास्ट कर गया। जैसे ब्लास्ट किया बस वो क्या हो गया, अनकंट्रोल। और जैसा अनकंट्रोल हुआ क्या बन गया, परमाणु बम। अब परमाणु बम बना तो वहां क्या निकला, एक्सरे, और क्या वहां गामा और शॉक। वो खाली जगह पे बनाया गया, सब उधियाई गया था वहां पे। और टेम्परेचर कितना हो गया, 3। इतनी भयानक तबाही मची थी जिसका कोई हद नहीं, वहां पर सारे लोग मारे गए थे। उसके बाद जो फायर फाइटर आए थे आग बुझाने के लिए, उनके ऊपर लग गया रेडिएशन, किस चीज का, अल्फा बीटा गामा। किसका लगा, अल्फा बीटा गामा। पूरा का पूरा उनका क्या हो गया, शरीर
रेडिएटिव हो गया और वहीं पे क्या हो गया, मर गया। जो हेलीकॉप्टर था ना, हेलीकॉप्टर के चारों ओर क्या आ गया था, रेडिएशन। अल्फा बीटा गामा दिखते नहीं, जैसे कोरोना दिखता है। अब हमारे हाथ पे कोरोना रहेगा, दिखेगा। अब हाथ पे कोरोना दिख भी नहीं करेगा, किसी को छू देंगे तो उकर हो जाएगा कोरोना। वैसे ही रेडिएशन भी दिखता नहीं है, और लेकिन वो रेडिएटिव हो जाता है। तो बाद में क्या किया गया, उस एरिया में जितना ट्रक, गाड़ी, जहाज, हेलीकॉप्टर, पत्रकार, कैमरा सहित पत्रकार को दफना दिया गया। अंदर खुचा खचा खींचते रहो, जिंदा कैसे रहे बकलो, इतना बड़का। अरे काला खांसी कह रहा है कि जिंदा दफनाया गया था, बताओ। इतना भयानक हमला के बाद कौन बचेगा, तेल चट्टा बच जाएगा सर। कॉकरोच, कॉकरोच की बाहरी त्वचा काइटिन की बनी होती है, काइटिन पर इस रेडिएशन का कोई असर नहीं पड़ता। उस सजुरा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। समझ रहा है कि नहीं, बच जाएगा। वहां पर आपके एरिया में जब कभी भी परमाणु विस्फोट हो जाए कभी, तो आप देखिए, अगर आपके अगले बगल में हो गया 10 किलोमीटर के रेडियस में, तो चुपचाप आप जाएंगे, आपको कोई बचा नहीं सकता। लेकिन ऐसा खबर लगा कि नहीं भाई, इस जगह पे ब्लास्ट किया गया है, तो आप खबर लगते ही तुरंत आप अपने जगह पे अंडरग्राउंड होना चालू कीजिए, तुरंत का तुरंत। यहाँ पर ऐसे जगह पे जाइए जहाँ पर हवा वगैरह बहुत ही कम आए, और अपने जितना घर द्वार का विंडो, शीशा, खिड़की सब बंद कीजिए। बेसमेंट में घुसिए, रजाई गद्दा बहुत ज़्यादा लगा लीजिए ताकि हवा कम आए, क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, रेडिएशन। समझ में आ गया कि नहीं, रेडिएशन। और इंतजार कीजिए कि कोई बचाने वाला आए, नसीब अच्छा रहेगा तो कोई बचाने वाला आएगा, आपको मास्क पहनाएगा रेडिएशन से बचने वाला, फिर बचा के ले जाएगा। ऐसा हुआ है एक बार, एक जापान का व्यक्ति था, बिजनेसमैन था, वो बिजनेस करने के लिए हिरोशिमा पे गया था। तो गया जब हिरोशिमा में ना, तो हिरोशिमा जैसे पहुंचा तो हिरोशिमा में ब्लास्ट हो गया, बट वो ब्लास्ट उससे थोड़ा दूरी पर था, तो वहां से वो भाग निकला। रेडिएशन फैलने से पहले क्या हो गया, भाग गया। और फिर वो कहाँ गया, नागासाकी। जब नागासाकी में पहुंचा था, वो मार दिया उसको। फिर वहां भी वो बच गया। अब जापानियों का नाम अजीब होता है, दिमाग में नहीं आता। अब भाई कोई राष्ट्रपति उष्पति रहे तो आदमी याद कर लेता है मन से कि भाई 5 साल का फुर्सत हो जाएगा, याद कर लो। होता है कि नहीं होता है, अब का नाम ही नहीं ध्यान आ रहा है। लेकिन उससे जो गया नागासाकी में, तो हुआ पटका गया, वहां से भी क्या हो गया, भागा वहां पे। अब भाग के गया कहाँ पे, क्वेटो में। तो क्वेटो में गया तो बिजली गिर गया उसके। और फिर उसमें भी ससुरा बच गया। फिर वो मरा था अपनी मौत से, इसको कहा जाता है नसीब। समझ में आ गया कि नहीं आएगा, कभी कभी यमराज भी छुट्टी पे रहते हैं। बताइए, ऐसा ऐसा तो नसीब होता है। अब बताइए, हमारे यहाँ के साइरस मिश्री साहब, टाटा के, जो टाटा सन्स के सीईओ थे, वो रोड एक्सीडेंट में उनकी क्या हो गई डेथ। हालांकि जो उन्होंने गलती किया, वो अमूमन 99% लोग गलती करते हैं, सीट बेल्ट बट आगे के लोग पहनते हैं। और इवन जो पुलिस भी चालान काटती है ना, तो सीट बेल्ट बस आगे वालों का काटती है, पीछे वालों का नहीं। सीट बेल्ट होता क्या, सीट बेल्ट बहुत जरूरी होता है, वो आपकी गति को ना अचानक रोक लेता है, वरना गाड़ी आ रही है 100 की स्पीड में, टकराएगी तो अचानक जीरो हो जाएगा, आप चल जाएंगे आगे। अब वो पता चला सीट जो है आगे, उस पर 100 की स्पीड से छाती लौट जाएगा, सब किडनी उडनी, हार्ट, गुर्दा, फेफड़ा सब पचक जाएगा इसे अंदर जा भाई। अब खुद से सोचिए ना, आप 50 की स्पीड में दौड़ के दीवार से ऐसे टकराइए, तो देखिए क्या हो रहा है। तो सीट बेल्ट जो होता है ना, सीट बेल्ट ये आगे आने नहीं देता। सीट बेल्ट की खासियत, आराम से खींचिएगा तो खिंचाएगा, जहां जबरदस्ती करेंगे नहीं खिंचाएगा। आपको सीट बेल्ट पढ़ा दिए, फिजिक्स में पढ़ा दिए, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए, रेडिएशन का मतलब होता है प्रकाश, रेडिएशन का मतलब प्रकाश, ये भी तो प्रकाश है, इसे हम देख सकते हैं। मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन को हम देख नहीं सकते, लेकिन इससे भी निकलता है। ये वो रेडिएशन है जो हमारी क्षमता के अंदर है, हम इसे कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन यूरेनियम से नहीं। यूरेनियम को येलो केक कहा जाता है, यह दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब लड़की सब इसका झुमका बना के नहीं पहनना, काने भड़क जाएगा एक ओर से।